कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और आज हम बना रहे हैं आलू और चने की दाल के कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसके लिए मैंने अभी ये चीज़ें निकाली हैं। मेरे पास ये चने की दाल है, एक पाव मैंने ली है, और ये हमारे पास तीन आलू हैं, और ये हमारे पास है साबुत दाल गोल्ड मिर्च है, और लहसुन छील के रखा हुआ है मैंने। ये लहसुन है 4 से 5, इस पर हम चटनी भी बनाएंगे। लहसुन इसके अंदर भी डालेंगे, और ये इमली है, इसकी चटनी बनेगी, हरी मिर्च है, इमली, और ये लहसुन और साबुत मिर्च की। और ये हमारे पास पुदीना है, ये धनिया है, इसको माखन में डालेंगे जब कबाब बन जाएंगे तो। और अभी हम इसको जब उबालने के लिए कढ़ाएंगे फिर आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखा देंगे किस तरह कढ़ाना है और ये किस तरह बनेंगे। मैंने चीज़ें आपको दिखा दी हैं सारी। और आज बन रहे हैं आलू और चने की दाल के कबाब। चने की दाल को अच्छे से धो लिया है और ये आलू भी हमने धो के काट लिए हैं। और अब इसको हम दाल को चढ़ाते हैं। दाल है, दाल को हम पतीले में डालते हैं। ये दाल हमने पतीले में डाल दी है और ये आलू हैं। ये आलू को भी हम इसमें पतीले में डाल देंगे। दाल को और आलू को हमने पतीले में डाल दिया है और अब इसके अंदर हम ये हमारे पास साबुत मिर्च हैं ये डाल दें इसके अंदर। और ये हमारे पास चिले हुए लहसुन है 3 से 4 कली, वो हमने डाल दिया। और अब इसके अंदर हम ये लाल साबुत किसी भी लाल मिर्च है आधी चाय का चमचा ये डाल देंगे। और ये हमारे पास है हल्दी पीसी भी, इसको भी 1/2 चम्मच डालेंगे। और अब हम डालेंगे नमक, ये नमक जो हम इसमें 1/2 चाय का चम्मच डाल रहे हैं। और अब ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम ये हमारे पास 1 कप पानी है और इसको हम इसमें डालेंगे। और अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। देखें इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और हमारे पास 1 कप पानी हमने इसमें डाला था और अभी हम ये 1 कप पानी और डाल देंगे। ये हमारा हो गया है 2 कप पानी। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए पकने देते हैं, ये पक जाएगा फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये उबल गया है हमारा दाल। उबल गया, अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा ये आलू के जो छिलके हैं ना ये निकाल लेंगे इसको, फिर इसके बाद इसको ठंडा करके हम इसको मैश करेंगे। चाहे किसी चमचे से गल लें, किसी से भी गल लें, मैं ये हाथ से गल लेंगी। और इसको हमने अच्छे से पहले आलू को छील लिया है और छील के अब इसको हम मैश कर रहे हैं। देखें इस तरह कर लें आप, हाथों से हाथ धो के अच्छे से, और हाथों से ये अच्छी तरह मैश हो जाता है। ये आलू की और चने की दाल के कबाब है, इसमें मसाले भी डालेंगे फिर आपको दिखा रहे हैं हम सारा किस तरह बनाने हैं। आप लोग भी इसी तरह ये दाल और आलू को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से, और अब इसके अंदर हम मसाले डाल लें। और ये ठंडा भी हो गया, और सबसे पहले हम इसमें डाल लें ये काली मिर्चें, ये हमारे पास हैं काली मिर्चें डाल दी। और ये हमारे पास है 1/4 जीरा, ये डाल दिया। और ये हमारे पास है 1/4 गरम मसाला, इसको भी हमने 1/2 चम्मच डाल दिया। और ये है हरा धनिया, इसको डाल दिया। हरा धनिया आ गया, और इसमें पुदीना भी है और ये हरा धनिया भी है, और इसके अंदर ये हरी मिर्च है, और इसको हम बारीक काट लेंगे इसके अंदर।
बिल्कुल बारीक इसको काट लें इसके अंदर। ये हरी मिर्च भी काट ली इसमें, बहुत ही बढ़िया मिर्च थी। और ये अंडा है हमारे पास, इसको हम आधा अंडा डालेंगे। तोड़ लिया हमने इसको, मैश कर लिया। आधा एक में डाल देंगे और आधा ऊपर से जब इसको फ्राई करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे इसमें मिला देना। अभी पूरा डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा टमाटर। इसमें ये आधा डाल ब्रेड कम से गर्मी बनाए ब्रेड से, और इसको भी हम थोड़ा मिला देते हैं इसके अंदर। ये एक चम्मच, तीन चम्मच इसमें डालते हैं। अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया सारा जो हमने आपको बताया था, ये सब मिक्स हो गया। इसके हम कबाब बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास चटनी का सामान है, अब हम चटनी बना रहे हैं। ये मैंने एक टमाटर लिया है, और ये प्याज है, और ये एक हरी मिर्च है, और ये हमारा धनिया पुदीना है, और ये हमने जो है ना लहसुन, ये साबुत मिर्चें इसमें भिगोई थी इमली के अंदर। ये फूल गई है मिर्चें, देखें तो मैंने फुला लिया है। और ये इमली है और इसका पानी है, अब इसकी गुठली निकाल लेते हैं पहले। हमने इमली का निकाल ली, ये इमली की गुठलियाँ निकाल ली है हमारे पास है साबुत मिर्च, और ये ऐसे आ गई है। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं। पहले हम डालेंगे ये प्याज डाल दी है, और ये टमाटर डाल दिया है, और यहाँ पर धनिया पुदीना है कटा हुआ, इसको डाल दें। ये हमारे पास चीनी है थोड़ी सी, खट्टी मीठी चटनी बनाना है तो इसमें हम चीनी भी डालेंगे थोड़ी सी। और ये हरी मिर्च है वो डाल दी। चटनी हमने पीस ली है, और ये देखें ये हमारी चटनी तैयार हुई है कबाबों के साथ। ग्रीन रायता बना रहे हैं इसके साथ, ये हमारा ग्रीन रायता तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये ऑयल, ये ऑयल डाल दिया है। और ये अंडे को हम पकड़े हैं, एक और अंडा हमने डाला है। यह अंडा अब हमें डाल, ये हमने कबाब के लिए लिया है, इसका कबाब बनाएंगे हम। ये कबाब हमारे बन रहे हैं, आप इसके अंदर हम पहले इसको अंडे में डिप करना है ना, नहीं करना। पहले अंडे में डिप करेंगे इसको, ये हमारा डिप हो गया अच्छे से अंडे में। और अब हम इसको, ये हमारे पास है, ये हमने ब्रेड क्रम से इसके अंदर इसको कर लिया है। अब हम इसको कर लिया इसको, ये ब्रेड क्रम्स में करा। और इसका फिर
हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। हमारे रेडी हो गए। ये रेडी हो गए, इस तरह बनेंगे बिल्कुल। फिर आपको हम खा करके बताते हैं कैसे हैं। ये देखें आप, ये बनाया हमने और क्रिस्पी हो रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल क्रिस्पी हैं। ये देखें आप, आवाज़ आएगी आपको। ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी बना है ये। और ये मैं भी ट्राई करती हूँ थोड़ा सा इसको। यहाँ पर रायता है, चटनी है, चटनी भी लगाते हैं थोड़ा सा। हाँ, बहुत क्रिस्पी बनेंगे।